यूपी विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी पार्टी का हारने का डर भी अब निकल कर सामने आ रहा है, जिसके चलते वो अब किसी भी मुद्दे को भुनाकर बस अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। और ऐसा ही कुछ देखा गया जब मुख्यमंत्री योगी कैराना पहुंचे और पलायन का मुद्दा उठा दिया, जिस पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। तो क्या बोले ओवैसी, देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही यूपी की योगी सरकार को रुके हुए सारे काम याद आ गए हैं और अब जल्दबाजी में हर दिन परियोजना का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। इतना काम उन्होंने 4.5 साल में नहीं किया जितना इन आखिरी महीनों में कर रहे हैं, जिससे सिर्फ उस परियोजना पर बीजेपी की मोहर लग जाए। अब उसी कड़ी में यूपी के CM कैराना में 114 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पलायन का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा हो या कैराना से लोगों का पलायन का मामला रहा हो, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि ये देश और प्रदेश की आन बान शान का मुद्दा रहा है। अब CM योगी के इस बयान को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। एक वीडियो जारी कर ओवैसी ने कहा है कि बड़े ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो वो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, लेकिन इसे मुख्यमंत्री आन बान शान से जोड़ते हैं। इस दंगे में कई लोगों की हत्याएं हुई, हजारों की संख्या में लोगों के घर जलाए गए, खेत जलाए गए, इनके इंसाफ की बात नहीं करते बल्कि CM इसे आन बान शान से जोड़ते हैं। जो 50,000 लोग बेघर हो गए वो आज भी अपने घर नहीं जा सकते, आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अनाप शनाप बयान देते हैं और मुजफ्फरनगर का दंगा आन बान शान का मसला है, ये आन बान शान नहीं बल्कि इस पर अफसोस करना चाहिए। योगी तो चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी यूपी में संतुलन बनाने की कोशिश करने पहुंचे थे, लेकिन अब वो अपने बयान के चलते फंसते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या उनकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी या ये कोशिश उल्टी पड़ जाएगी। DB Live की रिपोर्ट।